हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल डिजाइन। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में। दोस्तों, जो एडाप्टर होता है और जो उसकी डीसी आउटपुट लीड होती है, जो जिसको हम इनपुट पर कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट को पावर अप करने के लिए, उसमें कुछ पैरासिटिक कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस होती है उसकी लंबाई के कारण। तो जब हम हॉट प्लग इन करते हैं तो वो स्पाइक बना सकती है और स्पाइक आ सकती है हमारे सर्किट में। तो अगर स्पाइक आ जाती है सर्किट में तो हमारे वो माइक्रोप्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को डैमेज कर सकती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये सर्किट यूज करते हैं। ये आरसी सर्किट है और ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटेंस हाई एसआर कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज किया गया है, और ये हाई पैकेज 2 ओम रेजिस्टेंस यूज किया गया है। 2010 पैकेज का है ये, हाई करंट हैंडल करने के लिए। तो दोस्तों, हम इसकी जगह और भी सर्किट है जो हम हाई वोल्टेज स्पाइक को कंट्रोल करने के या बाईपास या क्लिप करने के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीवीएस डायोड या जीनियर डायोड हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होगा और थोड़ी प्लेस भी लेगा, और ये एक सिंपल सर्किट है। तो इसको हम जनरली हाई वोल्टेज स्पाइक के लिए यूज करते हैं, और इंडस करंट भी इससे लिमिट होती है। फिर ये आगे ये डायोड हम यूज कर सकते हैं रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए। इससे अगर एडाप्टर या बैटरी जो भी है इनपुट, अगर वो रिवर्स कनेक्ट हो जाते हैं पॉजिटिव का माइनस में और माइनस का पॉजिटिव में, तो वो उसमें करंट नहीं फ्लो होगी। ये डायोड तो रिवर्स बैस हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगी, इससे सर्किट सेफ रहेगा। और ये जो डायोड है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये हम यूज करते हैं इंडस करंट कंट्रोल करने के लिए। इससे ये डायोड भी डैमेज नहीं होगा और अदर सर्किट की इंडस करंट भी इससे कंट्रोल होगी। और ये जो कैपेसिटर है, ये माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर की चिप के पास लगाते हैं इसको एज क्लोज एज पॉसिबल, सो दैट दी इट कैन बी इफेक्टिव। तो ये डिकपलिंग कैपेसिटर कहलाता है। तो दोस्तों, जो हमारा ये वाला जो आरसी सर्किट है, इसका जो वैल्यू जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए वो 10 माइक्रो सेकेंड होना चाहिए, जिससे dB/dt इंडस करंट कंट्रोल हो सके। तो इसका टाइम कांस्टेंट 10 माइक्रो सेकेंड से कम होना चाहिए, और इसकी वैल्यू जो हमेशा इससे कम होती है, और जिसके कारण ये इफेक्टिव हो जाता है हाई वोल्टेज सप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा सर्किट फॉर प्रोटेक्ट दी स्पाइक। तो ये वाला जो सर्किट है वो मोस्टली चार्जिंग आईसी में या इनपुट वोल्टेज आईसी में हमारा यूज होता है। इनपुट पे सभी में नहीं हो सकता, कुछ लोग इसकी जगह कैपेसिटर, केवल कैपेसिटर ही लगाते हैं जो फिल्टर के लिए यूज होते हैं, और ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते। लेकिन वो तो होता ही है, वो भी थोड़ा वही करता है, स्पाइक कैपेसिटर स्पाइक को एलिमिनेट करता है। लेकिन ये थोड़ा इफेक्टिव सर्किट है, उसमें जो वो कैपेसिटर यूज करते हैं वो हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं, जो कि उनका ESR वगैरह बहुत कम होता है, और वे सिरेमिक कैपेसिटर होते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है जिसका ESR बहुत ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली स्पाइक के लिए हम यूज करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।